नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारा ये वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आपकी पीएनएसटी यानी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही हैं, या जिन्होंने अभी अक्टूबर माह में जो 2021-22 में पीएनएसटी 2021 का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम दिया है, और दुर्भाग्यवश उनके इतने नंबर नहीं हैं कि उनको सफलता मिल जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश पीएनएसटी 2021 का रिजल्ट, और आज मैं इसमें बताऊंगा टॉप 10 स्टूडेंट कि वो कौन सी भाग्यशाली बच्चियां थीं जिन्होंने इस रैंक 10 रैंक के अंदर अपना स्थान बनाया है। न केवल ये एग्ज़ाम पास किया है बल्कि अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, संस्था का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम चलते हैं, और इस रिजल्ट के आधार पर हम कुछ एनालिसिस भी करेंगे। निसंदेह आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा, आपको कुछ वो सीख दे के जाएगा। तो चलिए हम शुरू चलते हैं। तो हम इसको उल्टा लेते हैं, जो टॉप 10 में बच्ची थी वो बच्ची थी आपकी स्वाति थी, और ये आपकी ओबीसी वर्ग से आती बच्ची है, और इसके मार्क्स थे आपके 150 में 92.51, है ना, 92.51। तो एक चीज़ तो ये देखने में आ रही है कि कोई इस बार का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा जिसमें 100 का आंकड़ा जो है वो कोई बच्ची प्राप्त नहीं कर पाई है। तो पेपर टफ था, नीट लेवल का पेपर था। तो अब हमको थोड़ा सा अपने पढ़ाई का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हमको ख़ास तौर से ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो हमको किस लेवल से पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें नीट लेवल शामिल है, क्या उस पढ़ाई से हम नीट के क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। यदि हाँ तो ठीक है, अन्यथा आप जो है वो टीचर से बोलें कि सर हमारा जो है वो नीट लेवल बनाएं। तो 92.51 150 में। चलिए हम नौवीं बच्ची लेते हैं। तो ये उनका नाम है नंदिनी सौंधिया, ये आपके ओबीसी से आती हैं, और इनके नंबर थे आपके 93, है ना, 93.48। तो इनने अपनी 9 रैंक बनाई है इसमें। फिर अगली बच्ची आपकी जो है वो आती है दीक्षा बघेल। तो दीक्षा बघेल ये जनरल की हैं आपकी, ये तो ये देखें कि हम जनरल की बच्ची मिल रही है हमको, ये जनरल लोगों में कम लोगों ने ही स्थान बनाया है इसमें, मुश्किल से टॉप 10 में 3 से 4 लोग हम बताएंगे, जैसा कि जनरल के ही बच्चियां यहां पर सफल हुई हैं, बाकी सभी स्थान या तो आपके ओबीसी ने लिया है। जनरली आपका जो है ओबीसी जो है वो जनरल की बराबरी कर रहा है, बराबर उसको टक्कर दे रहा है। तो तीसरी बच्ची दीक्षा बघेल जनरल, इसके पॉइंट है 93.98, माने 93.98 नंबर प्राप्त किए इसने 150 में, तो माने ये भी 100 के अंदर है आपका। फिर हम सातवीं बच्ची की बात करते हैं, तो सातवीं बच्ची है आपकी नर्मदा हेरोडे, और ये आपकी ओबीसी की हैं, और इन्होंने प्राप्त किया है 94.53 और 150 में। तो ये देखने में आ रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त नहीं किए हैं, 100 के अंदर ही रहे हैं, लेकिन पेपर कठिन होने के कारण से, नीट लेवल होने के कारण से जो है वो बच्चों के मार्किंग जो है वो कम हुई है। फिर हम देखते हैं अगला छठवें स्थान पे, तो छठवें स्थान पे आपकी रही जासमी नागर, ये भी आपकी जो है ओबीसी की है, और इन्होंने जो है वो नंबर प्राप्त किए हैं 94.84, है ना, 94.84 150 में। फिर चलिए हम देखते हैं पाँचवें नंबर पे हमारी बच्ची रही है जैसलिन। तो जैसलिन ये आपकी जनरल की बच्ची है, और इसके नंबर हैं आपके 95.39 150 में। और अगला हम देखते हैं तो अंजू पांडे, ये पहली बच्ची है जो EWS की है, और इसने अपनी EWS कैटेगरी से जो है आगे छलांग मार करके ये जनरल में जा करके इसने अपनी जो है वो रैंक बनाई है। कौन सी रैंक बनाई है आपकी, 4th रैंक बनाई है, और इसके नंबर आपके हैं 95.48 150 में। फिर अगला हम देखते हैं तो अगला पलक बिसेन, ये बच्ची आपकी ओबीसी की है, और इसके नंबर है 9.559। और अगला हम देखते हैं अनुप्रिया दुबे, तो ये बच्ची आपकी जनरल की है, और इसने नंबर प्राप्त किए हैं 96.8, है ना, कितने में, 150 में। तो इस तरह से हम आपका बताने वाले हैं आपको कि फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग ये 100 के आसपास है, और
95 है ना, 95 से लेकर के 97 तक पूरे टॉप टेन की रैंकर जो है इसमें सम्मिलित हो गए हैं। कहाँ से आपका 97 से लेकर के और 93 तक है ना, 93 तक सभी रैंकर इसमें आ गए हैं। और इस बार ये देखने में आया है कि क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था तो कुछ ही बच्चों ने अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए हैं, ज़्यादातर वो एवरेज नंबर हैं, यही आपके 90 से लेकर के 100 के बीच में है। और मेरिट आपकी काफ़ी गई है, 1-2 नंबर 4 नंबर उतरने पर जो है वो आपकी कैटगरी जो है वो क्लोज हो गई है। तो सिलेक्शन थोड़ा सा टफ था, बिल्कुल निराश ना हो, यद्यपि मास्टर माइंड ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण था कि हमारी कोचिंग में जो है वो सभी पढ़ाने वाले जो हैं वो जो नीट क्वालिफाइड हैं, तो नॉलेज उनके पास काफ़ी है, उस नॉलेज के आधार पर पढ़ाते हैं। तो एक प्रकार से नीट लेवल को हम लोग जो है नर्सिंग लेवल में, नर्सिंग बैच में भी जो है वो नीट लेवल को हम जो है वो ध्यान में रखते हैं कि अगर पेपर हार्ड आता है जिस तरह आया भी तो बच्चे उसको जो है एग्ज़ाम को निकाल सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए हम बात करते हैं बन रैंक की। MP PNST 2021 टॉप 10 में बन रैंक किसकी थी, तो ये हमारे सतना ज़िला है आपका मध्य प्रदेश में, तो वहाँ की बच्ची है ये और बड़ी मेहनती बच्ची थी ये। और तो इसने जो है वो कुल नंबर प्राप्त किए हैं 97 है ना, 97 नंबर प्राप्त किए हैं और ये OBC की है। तो अब हम कुछ विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने पे हम ये देखते हैं कि इस बार जो है मेरिट निस्संदेह रूप से गिरी, और गिरने का कारण क्या था कि पेपर का स्तर जो है वो नीट लेवल का होना। और हम देखते हैं तो अब जनरल और OBC में जो है वो धीरे धीरे अंतर समाप्त हो रहा है। यदि हम देखें इसमें तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 माने 6 ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी OBC कैटेगरी को से छलांग लगा करके जनरल में फाइट दी, और केवल फाइट नहीं दी बल्कि जनरल में टॉप 10 के अंदर उन्होंने अपना स्थान बनाया। अब हम देखते हैं कि अनरिजर्व है, क्योंकि ऊपरी पोस्टें अनरिजर्व होती हैं, तो जनरल की कितनी बच्चियाँ थी, तो जनरल की आपकी 1, 2 और 3 मात्र 3 बच्चियां ही जो है जनरल की जिन्होंने जनरल में टॉप 10 में स्थान बनाया। इसी प्रकार से एक बच्ची जो है वो EWS की है, उसने भी जो है वो रैंक बनाई है आपकी, कौन सी रैंक बनाई है, 4th रैंक बनाई है, वो आपकी कौन सी है, अंजू पांडे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि निस्संदेह रूप से जो बच्चियाँ नर्सिंग को गंभीरता से ले रही हैं तो उन्हें कुछ करना चाहिए। उनको क्या सबसे पहले तो क्या है, कोचिंग का चुनाव किस तरह से करें, तो कोचिंग का चुनाव जो है वो किसी केवल भीड़ देख के नहीं कह सकता कि कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ है या किसी को लोग कह रहे हैं तो उसके आधार पे नहीं, बल्कि चुनाव करने के लिए देखना चाहिए कि वहाँ पे पढ़ाने वाले कौन हैं, जो पढ़ाने वाले उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, किस लेवल का वो पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, दूसरी हमको ये देखना चाहिए कि हमारी क्लास में जो है वो बहुत सारे बच्चे नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे होने से क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चे विशेष पर ध्यान नहीं दे पाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं वो कमज़ोर ही रह जाते हैं। तो कोचिंग का चुनाव निस्संदेह रूप से एक बहुत कठिन काम है, जिसमें कुछ मापदंडों को अपना करके हमको करना चाहिए, खासतौर से स्टडी मटेरियल। तो अब ये देख रहे हैं कि हम जो बहुत बड़े कोचिंगों के फोटो कापी करवा करके स्टडी मटेरियल बांटते हैं तो वो परंपरा उचित नहीं है, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बल्कि जो आपका PNST का जो 2021 का पेपर इस बात का प्रमाण है कि जो भी क्वेश्चन थे आपके वो NCERT से ही थे, तो NCERT को ही हम पढ़ें। और NCERT हमारे 11th-12th में चलती है, हमारी कोचिंग में भी खास तौर से NCERT को जो है वो एक विशेष प्रकार से एक ही NCERT को इंग्लिश और हिंदी में मिक्स रूप से जो है डेवलप किया गया है, ताकि उसको हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ाने वाले हमारे यहाँ खासतौर से जो नीट निकाल चुके हैं, MBBS कर रहे हैं या MBBS कर चुके हैं, तो ऐसे टीचरों को ही हम जो है प्राथमिकता देते हैं अपनी कोचिंग में। तो इसी कारण से हम लोगों का रिजल्ट जो है बच्चे बिल्कुल भी नहीं घबराए, लगभग 55 के ऊपर हमारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने जो है वो अच्छी रैंक बनाई है। और अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, तो निस्संदेह रूप से मास्टरमाइंड की बच्चियाँ जो हैं वो सफलता प्राप्त करेंगी, सिलेक्शन लेंगी और एक सफल नर्सिंग ऑफिसर बनेंगी। तो ये हमारा खास तौर से एक यूट्यूब चैनल है, इसमें कई तरह की बातें बताई जाती हैं, नीट नर्सिंग के बारे में भी जानकारी दी जाती है, PSC है, पटवारी है, आपके बहुत सारे बंडे एग्जाम हैं। तो इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो समय समय पर आपसे संबंधित कोई भी अगर जानकारी आती है
तो हम आपको निरंतर जो है वो अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बेटियों, नमस्कार, थैंक यू।